राजवेंद्र, मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। परम पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के पौत्र शिष्य श्री सिद्ध मुनि जी महाराज थाने एक जैन स्थानक SS जैन सभा किचलू नगर लुधियाना में विराजमान है। परम पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के पौत्र शिष्य श्री सिद्ध मुनि जी महाराज थाने एक जैन स्थानक SS जैन सभा किचलू नगर लुधियाना में विराजमान है, जहां जैन भक्त भाई बहन उनके दर्शनों एवं प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। हमारा यहां से अगर नगर से बिहार करके किचलू नगर आना हुआ और किचलू नगर से बिहार करके हम आगे हब्बेवाल जाने का हमारा विचार है और नया साल भी किचलू नगर में ही मनाएंगे। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। सेवा शब्द को सार्थक करते हुए आज जैन भारती श्री सुशील कुमारी जी महाराज सेवा समिति के कुछ सदस्यों द्वारा मोड़ कला कुम्भन यात्री भाई भक्तौर व मोड़ मंडी में वस्त्र वितरण किए गए। जैन भारती सेवा समिति सदस्यों द्वारा समय समय पर ऐसे सेवा के और दान पुण्य के कार्य किए जाते रहे हैं, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। इसी मिशन को सार्थक करते हुए महाराज के संदेश का पालन करते हुए सेवा समिति के सदस्य निरंतर कार्यरत रहते हैं। हम आप सभी से भी यही आशा करते हैं कि आप जैन भारती सेवा समिति का पूर्ण रूप से सहयोग देंगे या तो आप स्वयं भी ऐसे सेवा का कार्य करें। सेवा शब्द को सार्थक करते हुए आज जैन भारती श्री सुशील कुमारी जी महाराज सेवा समिति के कुछ सदस्यों द्वारा मोड़ कला कुम्भन यात्री भाई भक्तौर व मोड़ मंडी में वस्त्र वितरण किए गए। जैन भारती सेवा समिति सदस्यों द्वारा समय समय पर ऐसे सेवा के और दान पुण्य के कार्य किए जाते रहे हैं, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। इसी मिशन को सार्थक करते हुए महाराज के संदेश का पालन करते हुए सेवा समिति के सदस्य निरंतर कार्यरत रहते हैं। हम आप सभी से भी यही आशा करते हैं कि आप जैन भारती सेवा समिति का पूर्ण रूप से सहयोग देंगे या तो आप स्वयं भी ऐसे सेवा का कार्य करें। लुधियाना से विनीता जैन की रिपोर्ट। लुधियाना के ईवा अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में और सरबजीत सिंह कोछड़ की अध्यक्षता में बांझपन टेस्ट ट्यूब बेबी हड्डियों और जोड़ों का फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन लोक भलाई केंद्र डुगरी अर्बन स्टेट फेस वन में किया गया। लुधियाना के ईवा अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में और सरबजीत सिंह कोछड़ की अध्यक्षता में बांझपन टेस्ट ट्यूब बेबी हड्डियों और जोड़ों का फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन लोक भलाई केंद्र डुगरी अर्बन एस्टेट फेस वन में किया गया। इस फ्री मेडिकल कैंप में 100 से अधिक मरीजों ने भाग लेकर इस कैंप का लाभ उठाया। मैं सरबजीत सिंह कोछड़, जो कि असं पिछले काफ़ी लंबे समय तो लोक भलाई केंद्र चला रहे हैं, इतने ही समय समय सिर अलग अलग सेवावान जड़िया ने वार्ड नंबर अपने दे रहे हैं। अज असी इतने एक मेडिकल कैंप लाया वा, जिंद साढ़े को हड्डिया के माह डॉक्टर जोड़े ने वो भी आए हुए ने, सारे मेडिकल जोड़े ने असी इतने IVF बाजपन का टेस्ट ट्यूब बेबी सारे जो टेस्ट जोड़े ने असी इतने फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़े करा रहे हैं। तो साढ़े हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास IVF फैसिलिटीज़ असी प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स न, तो साढ़े पेशेंट साढ़े तो पूरी तरह सैटिस्फाई होकर जाते हैं। मैं डॉक्टर मनजीत फिजियोथेरेपिस्ट ईवा हॉस्पिटल तो इतने कैंप में मरीजों की देख कर रहे हाँ। इतने असी जोड़ा दर्दा का गोडिया दर्द मोडे दर्द बैक पेन सारी का चैकअप कर रहे हाँ। कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। सिखों के 10वें गुरु पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पूर्व दिवस के उपलक्ष्य में लुधियाना के गुरुद्वारा श्री गुरु कलगीधर सिंह सभा से एक विशाल नगर कीर्तन सजाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने भाग लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों में से होता हुआ वापिस गुरुद्वारा साहिब में आकर समाप्त हुआ, जिसके स्वागत के लिए अलग अलग स्थानों पर लंगर का प्रबंध किया गया था। अलग अलग स्कूली विद्यार्थियों ने बैंड और गतके के करतब कर अपनी कला के जौहर दिखाए। सिखों के 10वें गुरु पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पूर्व दिवस के उपलक्ष्य में लुधियाना के गुरुद्वारा श्री गुरु कलगीधर सिंह सभा से एक विशाल नगर कीर्तन सजाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने भाग लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।
यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहब से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों में से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहब में आकर समाप्त हुआ, जिसके स्वागत के लिए अलग अलग स्थानों पर लंगर का प्रबंध किया गया था। अलग अलग स्कूली विद्यार्थियों ने बैंड और गतके के करतब कर अपनी कला के जौहर दिखाए। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े के संबंध में अज गुरद्वारा श्री गुरु कलगीधर सिंह सभा तो प्रभात फेरी नगर कीर्तन जो सवेरे आरंभ होया सी अमृत वेले हुण उसकी समाप्ति हुई है। तो इस तरह कल 23 तरीक नूं दोपहर 1 बजे विशाल नगर कीर्तन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की छत्र छाया हेठ ते पंजां प्यारिआं की अगवाई विच इस पावन स्थान तो निकलेगा। समूह सिख संगतां नूं सनमिमर बेनती है कि आप कृपा करके अपने शब्दी जत्थिआं दे नाल हाजिर हो के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। क्रिसमस के उपलक्ष्य में स्थानीय सराबा नगर स्थित बाल भवन में क्रिसमस चैरिटी मेले का आयोजन किया गया। यह मेला लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा की ओर से प्रायोजित था, जिस कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने जहां रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कई खेलों खेली, वहीं पर उन्हें क्रिसमस गिफ्ट्स, फ्रूट और अन्य वस्तुएं भेंट की गई। इस दौरान होटल पार्क प्लाजा के स्टाफ सदस्यों ने मंद बुद्धि बच्चों के साथ नृत्य किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। होटल के जनरल मैनेजर सुजीत चटर्जी और मुख्य शेफ विकास ग्रोवर ने कहा कि इन बच्चों के साथ विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार मनाते हुए हम गर्व महसूस कर रहे हैं। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। क्रिसमस के उपलक्ष्य में स्थानीय सराबा नगर स्थित बाल भवन में क्रिसमस चैरिटी मेले का आयोजन किया गया। यह मेला लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा की ओर से प्रायोजित था, जिस कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने जहां रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कई खेल खेली, वहीं पर उन्हें क्रिसमस गिफ्ट्स, फ्रूट और अन्य वस्तुएं भेंट की गई। इस दौरान होटल पार्क प्लाजा के स्टाफ सदस्यों ने मंद बुद्धि बच्चों के साथ नृत्य किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। होटल के जनरल मैनेजर सुजीत चटर्जी और मुख्य शेफ विकास ग्रोवर ने कहा कि इन बच्चों के साथ विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार मनाते हुए हम गर्व महसूस कर रहे हैं। आज हम लोग पार्क प्लाजा लुधियाना की तरफ से बाल भवन में आए हैं बच्चों के साथ क्रिसमस की खुशियां बांटने के लिए। हम उन लोगों के साथ गेम्स खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आप पीछे देखेंगे काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। हमने यहाँ पे कैरल्स की भी गाए हैं, सेंटा क्लॉज घुमाया है बच्चों को ट्रॉफी, और जो जीतेंगे इनमें से बच्चे उनके साथ उनको गिफ्ट देंगे। मेरा नाम अतुल गुप्ता है, मैं पार्क प्लाजा से हूँ। मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ बाल भवन में बच्चों के साथ खुशियाँ बांटने आया हूँ, और आप सबको, सभी दर्शकों को और मेरे सारे बच्चों को मैं न्यू ईयर और क्रिसमस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पूर्व दिवस को लेकर नाभा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा घोड़ी आला से एक विशाल नगर कीर्तन सजाया गया, जिसमें SGPC मेंबर सतविंदर सिंह टोहड़ा, अकाली नेता मनिंदर सिंह मानी सहित बड़ी संख्या में संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब से आशीर्वाद प्राप्त किया। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा घोड़ीवाला से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों में से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहिब में आकर समाप्त हुआ, जिसके स्वागत के लिए अलग अलग स्थानों पर लंगर का प्रबंध किया गया था। अलग अलग स्कूली विद्यार्थियों ने बैंड और गतके के करतब कर अपनी कला के जौहर दिखाए। नगर कीर्तन में शामिल हुए अकाली नेता मनिंदर सिंह मानी, SGPC मेंबर सतविंदर सिंह टोहड़ा, प्रसिद्ध कथावाचक राजिंदर सिंह और काउंसलर दर्शन सिंह ने कहा कि आज श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पूर्व को लेकर संतों में भारी उत्साह पाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दिहाड़े को समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा घोड़ियाला से शुरू होकर वापस यहां ही समाप्त हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने अपनी हाजिरी लगवाई। संगत विच बहुत वड्डा शाह है, और हर गुरसिख के मन के विच एक तमन्ना होंदी है कि जदों मेरे दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश दिहाड़ा आए, तो वध अपनी शमूलियत करके रोम रोम करके गुरु पातशाह का शुकराना कर सके, जिस कलगियां बड़े प्रीतम ने मनुखता की खातर, धर्म की आजादी की खातर और सिखी की खातर सरबंस वारिया सी, उन्होंने प्रकाश दिहाड़ा है और संगतों में बहुत वड्डा उत्साह है। गुरुद्वारा डेरा बाबा अजापाल सिंह जी घोड़ियां वाला नाभा तो अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन छत्र छाया हेठ पंज प्यारिआं दी अगवाई च निशानची सिंघां, बैंड, नगारची, स्कूली बच्चे, इलाके दीआं कीर्तनी संगतां वल्लों रल मिल के बड़ा वड्डा नगर कीर्तन सारे शहर विच हुंदा होया ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।
बिना किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त होने के बावजूद समाज सेवी संस्थाओं व स्कूल की प्रबंधक कमेटी के सहयोग से चलाए जा रहे 109 वर्ष पुराने आर्यपुत्री पाठशाला में श्री सत्य साई सेवा समिति द्वारा स्कूल के 45 विद्यार्थियों को बूट चुराबे व वर्दियां वितरित की गई। इस मौके स्कूल में सभ्याचारक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने भंगड़ा तथा गिद्दा पेश कर खूब धमाल मचाई और समा बांध दिया। इस मौके आयोजित गीत संगीत में अन्य स्टूडेंट्स भी जमकर थिरके। इस अवसर पर प्रिंसिपल महक वाटस ने बताया कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, यही नौनिहाल आगे चलकर देश की सेवा करते हैं। समाज सेवा करना ही मानवता का धर्म है और विद्यावान से बड़ा कोई परोपकार नहीं। आज के दौर में शिक्षा को लोग व्यवसाय बनाकर बेच रहे हैं। शिक्षा को बेचे नहीं बल्कि बांटे। बच्चों के अंदर बेमिसाल हौसला छिपा है, जरूरत है तो इन बच्चों को सही राह दिखाने की। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजर महिंदर लूना ने बताया कि श्री सत्य साई सेवा समिति, गार्ड गिफ्टेड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर अश्विनी लूना, मदनलाल कालड़ा व रीति शर्मा की ओर से विद्यार्थियों को वर्दियां व खिलौने वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि इससे पहले विद्यार्थियों का सामूहिक जन्म दिवस मनाया गया तथा समूह बच्चों ने मिलकर केक काटा व सभी विद्यार्थियों में वितरित किया गया। महेंद्र लूना, मेजर आर्यपुत्री पाठशाला स्कूल, आज बच्चों का मास बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अपना किसी को बर्थडे नहीं पता, किसी को कोई तरीक नहीं पता, ना आज तक कभी इन्होंने मनाया था। इसलिए ये एक मन में सोच आई कि बच्चों को भी बर्थडे मनाना चाहिए, इसलिए आज स्कूल ने और सहयोग से बच्चों का मास बर्थडे मना दिया है और उनको वैसे ही जैसे बर्थडे हम घर में मनाते हैं उसी तरीके से कैप्स वगैरह लगा के, मास्क लगा के, केक काट कर और गीत संगीत कर कर उस तरह हमने आज बनाया है। फाजिल्का से दिलीप दत्त की रिपोर्ट। अभी रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बाकी के समाचारों के साथ। नीले सरोवर से जल लेके आना मेरे प्रभु के नावन के लिए, महोत्सव है आया गुरु का दीक्षा, महोत्सव है आया संयम स्वर्ण, महोत्सव है आया। तू पास है गुरुवर मेरा, विश्वास है विश्वास है। ओमिक्स रॉयल रेजिडेंसी पखोवाल रोड लुधियाना में जल्द बनने जा रहा है ओमिक्स महावीर टावर। ओमिक्स महावीर टावर्स जिसमें 2650 स्क्वायर फीट के 4 BHK फ्लैट्स 5 साल के आकर्षक ऑफर के साथ उपलब्ध हैं। ओमेक्स कंपनी की तरफ से जैन कम्युनिटी के लिए 18,000 स्क्वायर फीट जगह में बने जैन स्थानक और जैन कम्युनिटी हॉल दिया जा रहा है। आज ही बुक करवाएं, ऑफर सीमित समय के लिए। विजयनंद डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्पिटल और जज्बों की वो इमारत जिसकी नींव विश्वास पर टिकी है, लुधियाना का बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहां लगे अति आधुनिक इक्विपमेंट्स, देश के बेहतरीन फेमस डॉक्टर्स की टीम पेशेंट्स को स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड है। अफोर्डेबल प्राइस में एक हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट लुधियाना के लोगों के लिए समर्पित है, जिसके पीछे का मकसद लुधियाना शहर में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हर किसी को मिले। डेंटल, आईज, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, गायनी, पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स हैं और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी, सिटी स्कैन और कई आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। विजयनंद डायग्नोस्टिक सेंटर में सभी संभव प्रयास द्वारा पेशेंट्स की देखभाल की जाती है और यही क्वालिटी विजयनंद डायग्नोस्टिक सेंटर को जीवन रक्षक का दर्जा दिलाती है। विजयनंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना।
आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मोगा शहर में आवारा पशुओं और गोधन की संभाल के लिए नगर निगम द्वारा मोगा के चरिक रोड पर गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसको ठेके पर देकर चलाया जा रहा है। इस गौशाला का निरीक्षण करने के लिए आज मोगा के MLA डॉक्टर हरजोत कमल गौशाला पहुंचे और वहां पर गोधन की संभाल के बारे में जानकारी ली। इस मौके डॉक्टर हरजोत कमल ने बताया कि मेरा आज यहां पर आना गोधन की कैसे संभाल होती है उसको देखना था। मैंने इनको यह कहा कि जो गोधन और सांड बाजारों में घूम रहे हैं और जिनके कारण कई हादसे भी होते हैं, उन्हें भी यहाँ पर लाया जाए। वैसे यहाँ गोधन की अच्छी देखरेख हो रही है। मैंने देखा कि पशुओं की संभाल में बहुत खर्चा आता है, परंतु बहुत से लोग दान राशि देकर परोपकार भी कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा है उन्हें जगह मुहैया करवाई जाए ताकि और गोधन को यहाँ पर रखा जाए, और अभी तक इनको कोई नगर कौंसिल की ओर से पैसा भी नहीं मिला। इनको बहुत से मसले हैं जो हल करने वाले हैं और हम सभी के सहयोग से ही हो सकता है। ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜੱਗੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਠੇ ਆ ਗਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੋਗਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿੱਟੂ ਪੂਰਵਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। नाभा भवानीगढ़ रोड पर स्थित ये ऐतिहासिक स्थान है जहां नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरण स्पर्श का गौरव इस स्थान को हासिल है। इतिहासकारों मुताबिक 1666 ईस्वी में दसवीं अवतार श्री गुरु गोविंद सिंह जन्म के बाद पहली यात्रा दौरान पटना साहिब जाते हुए नौवें पातशाह इस स्थान पर खेतों में लगे एक नीम के पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुके, जिनके साथ ही माता गुजरी कौर, माता नानकी और गुरु साहेब का परिवार भी साथ ही था। जैसे ही इस गांव के निवासी दीवान टोडरमल की जानकारी मिली कि उसके गांव के खेतों में कोई महापुरुष आए हैं, तो दीवान टोडरमल ने गुरु साहब की तहे दिल से पूरी सेवा की, जिससे खुश होकर गुरु साहबान ने दीवान टोडरमल को वरदान आगे जाकर उनसे एक बड़ी सेवा ली जाएगी। नतीजतन दीवान टोडरमल को माता गुजरी कौर और छोटे साहब जादू के संस्कार की सेवा प्राप्त हुई। स्थान पर दीवान टोडरमल ने भाई जो सिंह के साथ ज्योति स्वरूप फतेहगढ़ साहब में संस्कार के बाद माता गुजरी कौर, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की पावन भस्म मर्यादा अनुसार एक गागर में लाकर यहां सुशोभित की थी, जिस स्थान पर आज गुरुद्वारा मंजी साहिब आलो अर्क स्थापित है। इस स्थान संबंधी जैसे जैसे देश विदेश की संगत को ऐतिहासिक जानकारी मिल रही है, तभी से भारी संख्या में संगत इस पवित्र स्थान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। शहादत के इस इतिहास के सामने आने के बाद 2014 से हर साल गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप फतेहगढ़ साहिब से एक विशाल नगर कीर्तन 14 पो को सजाया जाता है, जो भादसो से नाभा होता हुआ गुरुद्वारा मंजी साहिब आलो अरख में समाप्त होता है, जिसमें लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल होकर माता गुजरी कौर और साहेब जादू की शहादत को प्रणाम करते कीर्तन का जाप करते निकलते हैं। नगर कीर्तन को लेकर एक महीना पहले ही तैयारी शुरू की जाती है, जिसे बुजुर्ग और नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कई जगह लंगर के प्रबंध किए जाते हैं। नगर कीर्तन उसे जात दे विच आउंदा जिहड़ा पहला नगर कीर्तन 13 पोह नूं हुंदा है तकरीबन हर साल। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब तो जिस तरह दीवान टोडम वाल ने तिना दियां लाशां लाए करके ज्योति स्वरूप नूं सत्कार करन वास्ते लैके आए सी, उह श्रोमणी कमेटी वालों नगर कीर्तन बड़ी शान शौकत नाल ज्योति स्वरूप तक आउंदा है। तो अगला जिहड़ा नगर कीर्तन जिहड़ा इत्थे आउंदा है उह जिस तरह के अस्त दीवान टोडम वाल ते भाई जोत सिंह लाए करके इत्थे पहुंचे सी, उस तरह ही यह नगर कीर्तन अगले दिन आता है। इतिहास के तीजे दिन आता है तकरीबन। पिंड की बाहरले लोगों की साइड के लोगों की बहुत श्रद्धा जी। सुबह शाम इतने आके दिन च भी संगत बहुत बाहरों आँदी है जी, दर्शन करना दुनिया बहुत आँदी है जी। इतना नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट।
पंजाब की सिख जथेबंदियों द्वारा इन दिनों पंजाब भर में शराब, मीट और तंबाकू की दुकानें बंद करने के लिए पंजाब सरकार के नाम डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर को मांग पत्र दिया गया। इस मौके पर सिख जथेबंदियों के आगू और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि अगर देश में गांधी जयंती और 15 अगस्त पर ड्राई डे हो सकता है तो गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहबजादों की शहादत पर नशे की दुकानें और मीट की दुकानें क्यों बंद नहीं हो सकती। उनका यह भी कहना है कि पंजाब के स्कूलों में और त्योहार भी मनाए जाते हैं, जो जबर के खिलाफ साहबजादों की शहीदी के बारे में भी स्कूलों में समागम होने चाहिए। इस मौके पर सिख जथेबंदियों के आगुओं का यह भी कहना था कि अगर पंजाब सरकार ने हमारी यह मांग नहीं मानी तो चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री पंजाब के आवास का घेराव भी किया जाएगा। मानजोग डिप्टी कमिश्नर साहब उन्होंने वक्त सिख जथेबंदियों ने मंग पत्र दिते आ कि जिहड़ा आ हफ्ता है 20 तरीक तो लैके 27 दसंबर तक साहब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज का परिवार इस हफ्ते विछड़िया है और शहीद भी होया, उन्होंने शहीदों समर्पित इस हफ्ते ड्राई डे मनाए जाए, कोई भी मीट और शराब दी दुकानां ना खोलियां जाए पूरे जिले के विच, अते नाल ही जिहड़े स्कूलों के विच इन्हां दिनां दे विच खास करके बच्चों मजबूर करके जां किसी तरीके नाल समझ लो क्रिसमस डे मनाए जा रहे हैं उन्होंने स्कूलों वास्ते भी बेनती पत्र लैके आए हैं कि कृपा करके उन्होंने जो साहबजादों की शहीदी है वो पूरे हिंदुस्तान वास्ते हुई है, जबर जुल्म के खिलाफ हुई है, उन्होंने शहीदी दिहाड़े के समागम भी इन्होंने स्कूलों जरूर करवाए जा। साडा मकसद यह है जी आने वाली 26 जी दसंबर है 12 पोह नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब के छोटे साहबजाद का जिहड़ा शहीदी दिवस आ रहा है, तो साडी मंग है पंजाब दे विच सारे टोटल पंजाब दे विच जिहड़े शराब के ठेके मीट दीआं दुकानां ते तंबाकू दीआं दुकानां बंद रहन। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आदर्श स्कूल के अध्यापक आज अपनी मांगों को लेकर फरीदकोट के जिला प्रबंधकी कॉम्प्लेक्स की छत पर जा चढ़े। बीते दिनों से चल रहे झगड़े में अध्यापकों द्वारा मैनेजमेंट के चेयरमैन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके द्वारा स्कूल के महिला टीचर्स के साथ अश्लील भाषा में बात की जाती है और पिछले 7 महीनों से उनके वेतन नहीं दिया गया। जब भी कोई अध्यापिका इसका विरोध करते हैं तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। वहीं इस दौरान स्थानीय राजनीतिक नेता भी उनको मनाने के लिए पहुंचे पर वो अपनी जिद पर अड़े रहे। खबर भेजे जाने तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनको नीचे उतारने के लिए नहीं पहुंचा। जानकारी देते हुए अध्यापिका सरबजीत कौर ने बताया कि स्कूल मैनेजमेंट के चेयरमैन द्वारा महिला अध्यापकों का शोषण किया जाता है। इस पर बलात्कार जैसे आरोप के अलावा फंडों में घपले आदि कई मामले दर्ज हैं, लेकिन फिर भी ऐसे चेयरमैन को बदला नहीं जा रहा और ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी इस मामले में चुप्पी धरे बैठा है और आज हम चेतावनी देने के लिए कॉम्प्लेक्स की छत पर चढ़े हैं और अगर प्रशासन ना जागा तो हम अपनी जान भी दे देंगे। सर मेरा नाम सरबजीत कौर है, मैं एज ए PRT 10 स्कूल मिडू मान पिछले 7 ईयर्स तो जॉब कर रही हूँ। सर साड़ी जी मैनेजमेंट है पिछले 1 साल तो आई है तो उन्होंने आके साड़े जे टीचर्स हैगे से पुराने 2011 वाले उन्होंने कढ़ के इतने बिठा दिता है DC ऑफिस, जबकि उन्होंने DC सर के ऑर्डर भी नहीं मने। इस करके मजबूरन सानू इतने बैठना पे, पिछले 10 दिनों तो साडे टीचर्स इतने धरने से बैठे ने बट कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई ना होने करके सानू आज जो प्रोटेस्ट है थोड़ा तिखा करना पिया है क्योंकि असं नहीं चाहते कि जो पहले भी टीचर्स कढ़े हुए ने तो उन्होंने नाल नाल ये भी बेचारे बाहर चल जाए। जो मैं इन्होंने जो लड़कियां ने इन्होंने अपनी जबानों किया है, देखो जड़िया इन्हों जो कोशिश करा मंग करा सरकार तो असी भी मैं भी इन्हें कोशिश करूंगा कि इन्होंने जो बनता हक है वह दवाया जाए। फरीदकोट से नरेश सेठी की रिपोर्ट। बठिंडा के थर्मल प्लांट कर्मचारियों और किसान जथेबंदियों ने मिलकर पंजाब सरकार के विरुद्ध एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली। इन कर्मचारियों और किसान जथेबंदियों की मांग है कि जो पंजाब सरकार ने बठिंडा थर्मल प्लांट को बंद करने का फैसला लिया है इस फैसले को रद्द किया जाए, तभी हमारा संघर्ष समाप्त होगा। बठिंडा का गुरु नानक देव थर्मल प्लांट को पिछले दिनों हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि इस प्लांट को बंद किया जाएगा। इसके संबंध में आज थर्मल प्लांट कर्मचारियों और किसान यूनियन ने एक विशाल मोटरसाइकिल रैली थर्मल प्लांट से शुरू कर मनप्रीत बादल वित्त मंत्री पंजाब के ऑफिस के बाहर जाकर समाप्त की। थर्मल प्लांट यूनियन के प्रधान ने कहा कि पंजाब सरकार थर्मल प्लांट यूनियन कर्मचारियों और लोगों की गुमराह कर रही है कि यह थर्मल प्लांट पुराना हो चुका है और इसकी मशीनरी पुरानी हो चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं है, 2014 में इस थर्मल प्लांट पर पिछली अकाली सरकार के वक्त 716 करोड़ खर्च करके इसे नए रूप का ढांचा दिया गया था, तो फिर अब यह कैसे पुराना हो गया है। जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
और दूसरे पास उन्हें कह रहे हैं कि यदि मशीनरी जी पुरानी होगी इनू यह नहीं पता हले 2014 के तीन से चार नंबर जोड़ से 507 करोड़ रुपया लाया है और यदी जी मनियाद हजे 91% पई है इनू जोड़ा रेनोवेशन तो बाद 10,000 घंटा जरा लगातार चला हों इन्ह के कहने के नाल कुछ नहीं होना ये तो लोगों ने वेखना पंजाब के लोगों ने वेखना है भी यदा की करना असी जो पंजाब सरकार ने सरकारी थर्मल बंद करने का फैसला किया उस दे खिलाफ़ अज असी मोर्चा शुरू कर रहे हैं इतों रैली लैके मनप्रीत का जो दफ्तर आदे वाले जाना यही कांग्रेस सरकार अकालिया के सरकार वाले रौला पाँदी सी कि सरकार थर्मल बंद कर रही है तो मनप्रीत ने चोणों में कहा कि मेरे साहा नाल यह चिमनी चलती आ जे साडी सरकार है कि असी ये थर्मल नू बंद नहीं करन देना असी इहनू चलावांगे अज कांग्रेस सरकार जिहड़ियां विदेशी कंपनियां वड्डे घराणे आ उहनां नू खुश करन दी खातर ये जिहड़े प्राइवेटां नू ये थर्मल सरकारी दित्ते जा रहे आ जिहदा सीधा नुकसान साडे जिहड़े मुलाजमां उहनां ते साडे रुजगार आ जिहड़ा मुख्यमंत्री ने कि घर घर नौकरी आ पहला तोहफा सानू नवें साल दे विच घर घर नौकरी नहीं घर घर चों बंदा कढ के दित्ता जा रहा ते अज सारियां जथेबंदियां लगभग 2 दर्जना जथेबंदियां सी सरकार के खिलाफ संघर्ष बिढ़िया होया ते इहनू जित तक ले जावांगे जिन्ना चिर सरकारी थर्मल वाला जिहड़ा फैसला वापस नहीं ले। बठिंडा से दीपू शर्मा की रिपोर्ट। लुधियाना के मुंडिया कला में ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से चारों साहबजादे की शहीदी समागम व क्रिसमस डे को मुख्य रखते हुए स्कूल में बच्चों के लिए खेलों का कार्यक्रम गिद्दा भंगड़ा सहित रंगारंग प्रोग्राम बच्चों की तरफ से खिलौने बनाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड विजय प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जुगेश दत्ता मुख्य मेहमान रहे। वही जानकारी देते हुए प्रिंसिपल प्रवीण दत्ता ने जानकारी देते हुए बताया बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पंजाबी सभ्याचार प्रोग्राम से ज्ञान करवाया जाता है जिससे बच्चों को जानकारी मिलती रहती है। वहीं स्कूल के विद्यार्थी ने बताया स्कूल में अच्छे अध्यापकों के द्वारा पढ़ाई लिखाई अलग तरह से खेल कूद गिद्दा भंगड़ा द्वारा बच्चों में रुचि और बढ़ती है। लुधियाना के मुंडिया कला में ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से चारों साहबजादे की शहीदी समागम व क्रिसमस डे को मुख्य रखते हुए स्कूल में बच्चों के लिए खेलों का कार्यक्रम गिद्दा भंगड़ा सहित रंगारंग प्रोग्राम बच्चों की तरफ से खिलौने बनाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड विजय प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जुगेश दत्ता मुख्य मेहमान रहे। वही जानकारी देते हुए प्रिंसिपल प्रवीण दत्ता ने जानकारी देते हुए बताया बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पंजाबी सभ्याचार प्रोग्राम से ज्ञान करवाया जाता है जिससे बच्चों को जानकारी मिलती रहती है। वहीं स्कूल के विद्यार्थी ने बताया स्कूल में अच्छे अध्यापकों के द्वारा पढ़ाई लिखाई अलग तरह से खेल कूद गिद्दा भंगड़ा द्वारा बच्चों में रुचि और बढ़ती है। गुरु गोबिंद सिंह के चार साहबजादे की शहीदी के प्रोग्राम के समागम के मुख रखते हुए असं यह खेडों का आयोजन किया है तो नाल ही क्रिसमस का त्यौहार है तो नवे साल करके भी असं यह प्रोग्राम मनाया है जिस विच बच्चे ने बहुत वधिया प्रोग्राम किया रंगारंग प्रोग्राम होया जिस विच बच्चे ने गिद्दा भंगड़ा तो जिहड़ियां खेडां होईयां ने इहदे विच चाटी रेस खो खो सैक रेस बैडमिंटन खो खो दे असीं इंटर हाउस जिहड़े कंपीटीशन करवाए ने ते बहुत जा बहुत वधिया लग्गिया कि बच्चों ने बहुत वधिया तरीके नाल ये मैच सारे जीते ने ते हिस्सा लिता उन्हां दे विच ते मैं नौजवान बच्चों को यही कहना चाहुंदी हां कि वध तों वध पढ़ाई दे नाल ये चीज़ां दे विच भी तुसीं सैलीब्रेट करो इन्हां नूं कंपीटीशन च जाओ। लुधियाना से विपिन जवाहर के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं काव्या जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और नए समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र।